हेलो फ्रेंड, मैं लखन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन बाइकर पे। और ये देखिए मेरे साथ हैं सजल भैया। और कल जो है, कल हमने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था, एक छोटी सी बच्ची का वीडियो जो कि जिसका एक पैर नहीं था, और उसी का वीडियो देखकर हम सब उसके गांव के लिए निकले हुए हैं। तो ये देखिए हमारे पीछे जो है, यही है उस छोटे से बच्चे का गांव, और गांव का नाम है फतेहपुर, जो कि बिहार में जमुई ज़िले में पड़ता है। और ये जो गांव है, ये खैरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो अभी हम चलेंगे उस बच्ची से मिलने के लिए, और हमने उसके लिए कुछ लिया है, देखिए फल फ्रूट लिया है और कुछ कॉपी किताब लिए हैं उसके लिए। तो अभी वीडियो में बने हुए रहिएगा, अभी हम चलेंगे उसके गाँव और दिखाएंगे आपको उस छोटी सी बच्ची को। सीमा का घर कौन है? ये घर है। कहाँ है सीमा? यही है। अच्छा बाबू, हाँ तुम्हें से मिलने आए हम लोग। बैठो आओ, बैठो 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 बैठो, खड़ा हो कोई बात नहीं, ऐसे बैठो 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 बैठो। क्या नाम है? ये पहले आपको दो, ये आपके लिए लाए छोटा सा, ठीक है, ये खाने पीने के लिए। और ये आपको क्या क्या पसंद है आपको? कलर करते हैं ये सारा कलर है, ठीक है, आप कलर करना इसे। और ये आपके पढ़ाई लिखाई का समय, ठीक है, ये रखो। किस क्लास में पढ़ते हो आप? किस क्लास में पढ़ते हो? मन लगा के पढ़ती हो? बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारा मदद करने के लिए। कैसे ढंग से पढ़े, मेहनत करो बाबू, ठीक है, बहुत लोग मदद करेंगे, है ना। स्कूल में पढ़ाई होता है? होता है स्कूल में पढ़ाई? हाँ ठीक है, मन लगा के पढ़ो स्कूल में, है ना। पढ़ोगी लिखोगी तब नौकरी करोगी, बड़ा आदमी बनोगी, है ना। सरकार भी आरक्षण देता है। देखे तुम्हारा वीडियो, तुम बहुत बढ़िया से चल रही थी। इतना बैलेंस तो हम लोग का अगर एक पैर बांध दे तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, है ना। बहुत मेहनती लड़की है, बड़ा आदमी बनेगी अगर पढ़ ली जाएगी, है ना। तुम मन लगा के पढ़ेगी, बड़ा आदमी बन जाएगी, है ना। वीडियो देखे, देख के बहुत लोगों के लिए सीख है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पैर नहीं है हाथ नहीं है तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो ये बहुत मतलब लोगों को इसके वीडियो को देख के हौसला मिलता है कि जिंदगी में आदमी कभी भी हाँ हार नहीं मानना चाहिए आदमी को, है ना। पढ़ो खूब, ठीक है, और आपका जो आगे भी जो भी मदद का जरूरत होगा हम लोग करेंगे, है ना। बिल्कुल आए, बहुत आदमी आएंगे, अभी बहुत आदमी मदद करने आएंगे, है ना। जितना इसका हौसला बुलंद है उसके हिसाब से बहुत आदमी है। खेलती है कोई खेल? खेलती है क्या? खेलती है छिप छिप क्या? पर आप खुद के तो चाची दो पैर पे तो पूरा दुनिया चल रही है, एक पैर पे चल रहा है मतलब समझ रहे हो कि भगवान एकरा पे मेहरबान है, ठीक है। अब भगवान है बचल का कितना मजबूत है अंदर से, ये सोचती ने एक बार अंदर से कितना मजबूत है ये सोचती कि एक पैर पे ये सारा काम कर रहे हैं, ये आम आदमी नहीं है, एकरा अंदर कुछ न कुछ तो विशेष चीज है जेकरा कारण की ऐसा हो रहा है। इस वीडियो को हम लोग भी छोटा सा एक डालेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे आप लोग के लिए और वो पैसा आपको देंगे, ठीक है, ताकि इस बच्चे के इलाज में मदद हो सके, है ना। तो आप देख रहे हैं इस बच्चे का अकाउंट डिटेल्स, जो लोग भी मदद करने के लिए इच्छुक हैं इस अकाउंट डिटेल्स पे, इनके बच्चे के अकाउंट पे जो भी मदद करना चाहते हैं प्लीज डोनेट कीजिए। मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है, हम सब कोशिश करते हैं, कुछ छोटा सा कोशिश करते हैं कुछ मदद कर सके, है ना। हम चले हम लोग, हम लोग जाए, बहुत बढ़िया।
चलो जी, चलो जी। ये रखिए, ये नंबर मेरा है, ठीक है, कुछ भी जो जरूरत पड़ता है इसको बताइएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, ठीक है, दोबारा जल्दी हो सकता मुलाकात होगा, और फिलहाल अगर कुछ भी जरूरत होगा तो हम अपना नंबर देके जा रहे हैं, उस पर फोन कीजिएगा, जो भी मदद होगा हम पहुंचवा देंगे, ठीक है। दोस्तों, आपने जो वीडियो अभी देखा जिस बच्ची के बारे में, सीमा कुमारी जो दिव्यांग बच्ची है, इनका एक पैर नहीं है, इस वीडियो के बारे में हम लोगों को वहाँ से पता चला था, उनके जो शिक्षक हैं गौतम जी, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट डाला था इस बच्ची के बारे में, तो हम लोग उस वीडियो पोस्ट को ही देखकर हम लोग उनके गांव गए थे, और ये वीडियो शूट करने के पीछे मेन मकसद हम लोग का ये है ताकि उस बच्चे के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया जा सके जिससे कि उस बच्चे का इलाज हो सके। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब होता है जो उस बच्ची को लगा कर दिया जाए जिससे कि वो एक सामान्य जीवन जी सके, ठीक है। और हम लोगों ने इसके लिए उनका अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी वीडियो में पोस्ट किया है, मैं डिटेल्स में भी दे दे रहा हूँ, जितना हो सकता है आप उतना मदद करें उस बच्चे के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि एक छोटी सी बच्ची का थोड़ा मदद हो सके, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।